हाय फ्रेंड्स, आइए आज डिस्कस करते हैं 26 फीट बाई 38 फीट के हाउस प्लान पर। यह प्लॉट नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्लॉट के मैप में इसकी आउटर वॉल्स की थिकनेस 9 इंचेस है और इनर वॉल्स की थिकनेस 4 इंचेस। इसकी विड्थ 26 फीट है, इसकी लेंथ 38 फीट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है और ये पोर्च एरिया। पोर्च एरिया की डायमेंशन 10 फीट बाई 16 फीट। ये हमारे स्टेयर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मेन डोर है जो कि 4 फीट का है और ये लिविंग रूम। लिविंग रूम की डायमेंशन 14.2 फीट बाई 12.6 फीट। लिविंग रूम से ही ये किचन। किचन की डायमेंशन 8 फीट बाई 6 फीट। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो डिजाइन की गई है और ये स्टोर। स्टोर की डायमेंशन 5.10 फीट बाई 6 फीट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम की डायमेंशन 5 फीट बाई 7.10 फीट। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 12 फीट बाई 12 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो डिजाइन की गई है और ये शाफ्ट। शाफ्ट की डायमेंशन 5.4 फीट बाई 5 फीट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 12.2 फीट बाई 12 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो डिजाइन की गई है और ये अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम की डायमेंशन 6.6 फीट बाई 5 फीट। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, कुछ चैनल्स पे आपने देखा होगा उनकी ड्राइंग्स में प्लॉट की आउटर वॉल्स पर विंडोज दी गई होती हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के अदर साइड और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एक बार पूरा मैप देख लेते हैं। ये हमारा पूरा मैप है। ये मेन एंट्रेंस और ये पोर्च एरिया। ये हमारी स्टेयर्स हैं। ये मेन डोर है जो कि 4 फीट का है और ये लिविंग रूम। लिविंग रूम से ही ये किचन। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो डिजाइन की गई है और ये स्टोर। स्टोर की डायमेंशन 5.10 फीट बाई 6 फीट। आगे बढ़ते हैं। लिविंग रूम से ही ये कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम की डायमेंशन 5 फीट बाई 7.10 फीट। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो डिजाइन की गई है और ये सेकेंड बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो डिजाइन की गई है और ये अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।